नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। समोसे बेचने और मजदूरी करने पर मजबूर है गुरु, क्या ऐसे बनेगा भारत विश्वगुरु? उत्तर प्रदेश के 450 खेल प्रशिक्षकों पर कोरोना महामारी के साथ ही सरकार की बेरुखी भी काज बनकर गिरी है। ये सभी खेल प्रशिक्षक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त थे। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा तो इनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाए गए। सरकार ने अभी नहीं सोचा कि ये प्रशिक्षक अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। पिछले साल लॉकडाउन के बाद से ही इन प्रशिक्षकों को ना ही तनख्वाह मिली है और ना ही इनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया गया है। खेल के मैदान पर प्रतिभाओं को तराशते हुए सारी जिंदगी बिता देने वाले इन प्रशिक्षकों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोहताजी का एक ऐसा भी दौर आएगा जब इन्हें पेट पालने के लिए मजदूरी करने और समोसा बेचने का काम करना पड़ेगा। लखनऊ के चौक स्टेडियम में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देने वाले विकास यादव बताते हैं कि 25 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के लगभग 450 प्रशिक्षकों को कोरोना के काल में निकाल दिया गया, जबकि इन खेल प्रशिक्षकों का ऑटो रिन्यूअल 1 अप्रैल 2020 को होना था। ये लोग मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी की चौखटों पर गुहार लगा है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इन कोचों के कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण किया जाएगा, लेकिन 15 महीने बीत चुके हैं और कुछ भी हाथ नहीं आया है। ये वो प्रशिक्षक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी तमाम खेलों की प्रतिभाओं को तराशने में लगा दी, ताकि खेल की दुनिया में भी हमारे प्रदेश की छवि देश दुनिया में चमके। इसके बावजूद महामारी के दौर में न खेल विभाग ने इनकी सुधी लेना जरूरी समझा और न ही सरकार ने। इनमें से कई प्रशिक्षक आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इन लोगों के लिए परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। बहुत से खेल प्रशिक्षक ऐसे हैं जिन्हें चाय का ठेला लगाने और समोसे बेचने पर मजबूर होना पड़ा है। कई प्रशिक्षकों को परिवार पालने के लिए मनरेगा में मजदूरी करनी पड़ रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाली सरकार में गुरुजनों का हाल कितना बदहाल है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी खेल प्रशिक्षक मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इन फुटेज में आपको बलिया में खेतों पर मजदूरी करने वाले खेल प्रशिक्षक भी दिख जाएंगे। गौरतलब है कि बलिया खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का गृह जिला है और वो यहाँ की फेफना सीट से विधायक हैं। ये वीडियो देखिए। या बनारस जिले के वागरण के रहने वाले विजय वर्मा है जो एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं और खेतों में मजदूरी करने के लिए विवश हैं। ये बलिया के एथलेटिक्स प्रशिक्षक श्याम जी हैं। इनकी आर्थिक हालत बेहद खराब है। अपना और परिवार का पेट पालने के लिए यह मजदूरी करने पर मजबूर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बलिया खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का अपना जिला है। तिवारी यहाँ की फेफना सीट से विधायक है। ये बाराबंकी के रहने वाले तीरंदाजी प्रशिक्षक महेंद्र प्रताप हैं जो समोसे बेचने पर मजबूर हैं। मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे, एक 14 साल की लड़की जो बड़ी हो गई है। आज मैं ये सरकार से आशा करता था कि ये सरकार, भाजपा सरकार आएगी तो हम खेल प्रशिक्षकों का भविष्य अच्छा करेगी, लेकिन हमें सरकार से ये आशा बहुत कम होता ही चला जा रहा है। जो आज खेल प्रशिक्षकों की कई वर्षों से ऐसे भविष्य खराब चल रहा है। और एक अब नया सिस्टम लाने जा रही है सरकार, जेब पोर्टल से, यानी कि ठेके पर देना चाहती है हम NIS खेल प्रशिक्षकों का। अभी तक लगातार तो एडहॉक और अंशकालिक पर नियुक्ति करती थी, लेकिन अब और उससे भी बेकार जेब पोर्टल पर करने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव, ताइक्वांडो कोच। पिछले 10 वर्षों से चौक स्टेडियम लखनऊ में प्रशिक्षण कार्य दे रहा था। पिछले 25 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के 450 प्रशिक्षकों को कोरोना महामारी बताकर विभाग से निकाल दिया गया। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों और उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक एक गुरु किसी विशेष दल के या विशेष पार्टी के होते हैं?
जैसा कि कोरोना को बीते 3-4 महीने हो चुके थे, हम लोग का ऑटो रिन्यूअल नहीं हुआ था, जिसको लेकर हम शासन स्तर पर और सरकार स्तर पर अपनी बात रखी। जहाँ जहाँ हम अपनी बात रखते थे, वहाँ पर डायरेक्टर आरपी सिंह यही कहते हैं कि ये सब प्रशिक्षक समाजवादी पार्टी के हैं। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक अपना जीवन चलाने के लिए समोसे तल रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो प्रशिक्षक एक गुरु को शोभा भी नहीं देते, पर मजबूरी क्या ना करा दें, ये देखने को भी मिल गया। यही प्रशिक्षक कभी उत्तर प्रदेश की शान हुआ करते थे, इन्हीं के दम पर उत्तर प्रदेश का डंका देश व विदेश में बजता था, पर आज यही प्रशिक्षक भूखे मर रहे हैं। 16 माह हो चुके हैं, ना कोई हमारी सरकार सुन रही है, ना खेल विभाग सुन रहा है, ना हमारी कोई मदद भी कर रहा है। इस सभी का सबसे बड़ा जिम्मेदार डॉक्टर आरपी सिंह डायरेक्टर साहब हैं। इनको कोचिंग से कोई मतलब नहीं है, कोचिंग चले ना चले, विभाग निर्माण कार्य चरम पर है, चरम पर है, सब चीज विभाग में सब कुछ हो रहा है, पर कोचिंग नहीं चलेगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में विभाग में निर्माण तो कार्य करा दिए गए हैं, वो तो हो गए हैं, पर आने वाला समय उत्तर प्रदेश में ना प्रशिक्षक मिलेंगे, ना खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।